वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शुद्धि द स्पिरिचुअल पर्ज, टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू रिमूव व्हिच इज अनवांटेड इन आवर लाइफ। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है और जिसको हम अब तक कैरी कर रहे हैं, दिस इज द टाइम वी हैव टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर अफेक्टिंग आवर स्पिरिचुअल जर्नी। It is a time of spiritual ascension in which every human has to rise and need to understand that what is the purpose of his life. We all are connected with that supreme soul. Hum sab us ek supreme soul, us energy se connected hai. Aur har energy hamare andar jo beh rahi hai insanon mein, वो उसी का सोर्स है। एवरी पर्सन हु इज़ वॉकिंग ऑन दिस अर्थ इज़ हैविंग दैट एनर्जी, वो उसका अंश है। अगर वो एनर्जी नहीं होती, वो सोर्स नहीं होता, तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से फंस चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि हम इस जाल में, मोह के जाल में कुछ इस तरह से फंस चुके हैं कि हमने अपने सोर्स को बुला दिया है, हमने अपने कनेक्शन को बुला दिया है। एंड नाउ इज द टाइम दैट वी शुड कनेक्ट टू दैट सोर्स एंड एवरी सिंगल थिंग विच इज अफेक्टिंग, जिसके कारण हम उस सोर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम आवर लाइफ, इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम हिज एग्जिस्टेंस। एंड वी हैव टू प्लांट अ न्यू सीड सो दैट सीड कैन गिव अस द रिजल्ट। शुद्धिकरण क्या होता है? शुद्धिकरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारणवश आप अफेक्ट हो चुके हैं, आप अशुद्ध हो चुके हैं, तो उसको उस क्रिया में आपको जाना पड़ता है, जिस क्रिया के थ्रू आप वापस अपने आप को उस फॉर्म में पा सकते हैं जिस फॉर्म में आप एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज शुद्धिकरण ऑल अबाउट एंड दिस इज द एसेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट इन विच यू हैव टू राइज। अगर आप इस दुनिया की बात करें, देन यू विल फील दैट देर इज ए फ्रिक्वेंसी विच कनेक्ट्स अस विथ एवरी सिंगल थिंग। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई टीवी चैनल देख रहे हैं, अगर आप कोई रेडियो सुन रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ आज आपके जीवन में घटित हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसी। और जब वो फ्रिक्वेंसी पर हम ट्यून करते हैं, तो हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है जो हम देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं। एंड दिस इज द टाइम यू हैव टू कनेक्ट योर फ्रिक्वेंसी टू दैट हायर फ्रिक्वेंसी सो दैट इट कैन मैच एंड यू कैन स्टैब्लिश दैट कनेक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू आर ओवर हियर। जिंदगी कोई खेल नहीं है, लेकिन हमने इसे खेल की तरह लिया है। हमने इसे बहुत ही विचित्र तरीके से समझा है और कुछ ऐसा किया है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप ये मत सोचिए कि आज जो घटना घटित हो रही है, इसलिए ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर ऑल माई वीडियोज, आई हैव ऑलवेज स्पोकन टू यू दैट लुक, दिस इज द टाइम वी नीड टू चेंज एंड द अर्लियर हम करेंगे, द अर्लियर वी चेंज, उतना आसानी हमारे लिए रहेगी। अगर नहीं करेंगे तो प्रकृति अपनी तरीके से कराएगी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट 2020 विल बी द ईयर ऑफ रुद्र एंड माँ काली, द एनर्जी ऑफ रुद्र एंड माँ काली विल कम टू क्लींस दिस वर्ल्ड। इट इज द क्लींजिंग ऑफ आवर इनर बींग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज द क्लींजिंग विच इज गोइंग इन साइड, द अफेक्ट इज इन साइड एंड द रिजल्ट इज आउटसाइड। सो वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, डोंट लुक इन टू दैट रिजल्ट, यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन साइड दैट वाई दिस इज हैपनिंग। You have to question yourself, आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, आप क्या भूल चुके हैं, आपको क्या करना है, आपकी values क्या हैं, आपके beliefs क्या है। जब तक आप उससे connect नहीं होते हैं, तब तक इस विचित्र समय में आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और ये जो रास्ता है वो स्वयं आप ही अपने लिए ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए ढूंढ नहीं सकता। इस चीज को आपको समझना है। अपने आप को शुद्ध कीजिए, उस हर तरीके को अपनाइए अपने जीवन के अंदर जिसके कारण आप अपने आप को पा सकें,
in the form in which you have come on this Mother Earth. And this is the message of Mother Nature, that it is time to be in the original form, the form in which you have come, the form in which I have created you. So back to your roots, back to your origin. And this is a period of rising. अपने घुटने को टेकिए मत, हार मत मानिए, बल्कि खड़ा अपने आप को खड़ा कीजिए और अपने आप से पूछिए कि what is the awakening which is happening in me? I need to connect with that frequency so that I can receive every answer of my life. जो मुझे अब तक नहीं मिला है. आज हर एक इंसान के अंदर एक अंदर purging हो रही है. They are fighting with themselves. और ये जो फाइट है वो बाहर नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि हर इंसान अपने अंदर उसको महसूस कर रहा है, वो जी रहा है. इंसानियत भयभीत हो चुकी है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर इनसिक्योर दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज नेक्स्ट. आगे वही है जो आपके लिए सही है. मैंने ये शब्द पहले भी आपसे दोहराए थे, अगर आपने मेरे वीडियोज को देखा है. आगे वही है जो आपके लिए सही है. If you connect with your source, if you create that frequency which matches to that frequency from which you can download every information which is meaningful in your life, which will transform you as a person, as a human being, and it will take you back to your roots, to your existence, towards your creation. And this is a message which you need to understand. It's a very high time you need to understand this. अगर अब भी आप नहीं समझे तो कोई आपको नहीं समझा सकता. जो बाहर हो रहा है वो कुछ मायने नहीं है, आपके अंदर जो है वो सब कुछ मायने रखता है. आपको क्या सीखना है, आपको क्या समझना है, वही सब कुछ मायने रखता है. सो फ्रेंड्स, अवेक योरसेल्फ एंड क्वेश्चन योरसेल्फ टू हूम आई नीड टू कनेक्ट एंड व्हाट इट इज which the universe is communicating to us. अगर आज भी हम नहीं समझेंगे, अगर आज भी हम बहरे बन जाएंगे, अगर आज भी हम अंधे बन जाएंगे, तो फिर जिंदगी में नहीं समझ सकते. तो जो फील कर रहे हैं उसी को एक जरिया बनाइए और उस बिलीफ के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और उस चीज से कनेक्ट कीजिए जिस सोर्स के थ्रू आपको हर एक आंसर मिल सकता है अपनी लाइफ का. रिमेंबर, दिस इज अ टाइम ऑफ पर्जिंग, दैट इज इंटरनली स्पिरिचुअल पर्जिंग का समय है, जब हर इंसान के जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है, बाहर नहीं अंदर. और वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप जैसे हैं वैसे बन जाइए. इट्स अ सिग्नल एंड इट्स अ वार्निंग एट द सेम टाइम, एंड इट इज high time you need to understand that what is going on. I hope mera jo message hai wo aapko samajh mein aaya hoga. Thank you very much for watching this video.